नमस्कार। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और बिजनेस मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अरे तू करेगा बिजनेस? बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंड होना चाहिए। एक अच्छा बिजनेसमैन बनना सबके बस की बात नहीं होती। अरे इतना बड़ा मत सोच, इतने बड़े ख्वाब मत देख। अरे जाके कोई ढंग की 25-30 हज़ार वाली नौकरी कर ले। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में बहुत समय लग जाता है, तू ये नहीं कर सकता। बस दोस्तों, ऐसे ही बातें सुनकर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से कुछ हद तक भटक जाते हैं। पर दोस्तों, अगर आपके सपनों में दम है, अगर आपके इरादों में दम है, तो आपके आपके लक्ष्य तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों एक बात याद रखना, कामयाब लोग अपने फैसले के दम पर सारी दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसे बिजनेसमैन की सक्सेस स्टोरी लाया हूं जिसने महज 17 साल की उम्र में अपने बिजनेस करियर की शुरुआत की, जिस उम्र में बहुत लोग कम कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ ओयो रूम्स के फाउंडर और सीईओ की रितेश अग्रवाल के सक्सेस स्टोरी के बारे में। दोस्तों रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ के छोटे से टाउन बिसाम कटक में हुआ। और हाँ दोस्तों, सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। रितेश अग्रवाल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन में काम करते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई जिले के सैक्रेड हर्ट स्कूल से पूरी की। रितेश अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश ने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला लिया। हालांकि अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज आधे में ही छोड़ दिया। दोस्तों रितेश छोटी से उम्र से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग से बहुत प्रेरित थे। और दोस्तों आज के समय रितेश एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में अपने बिजनेस करियर की शुरुआत की, जिस उम्र में बहुत कम लोग कर पाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओयो रूम्स की शुरुआत कैसे हुई। रितेश को नई नई जगह घूमने का बहुत शौक था, उन्हें घूमने को बहुत मिला और वो दुनिया में बहुत सी जगह घूमे हैं दोस्तों। और रितेश को ट्रैवल करते करते ठहरने की व्यवस्था करने से बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ता था, जैसे कभी उन्हें बहुत सारे पैसे देकर भी बेकार सी जगह घूमने को मिलती थी और कभी कम पैसे में ही बहुत अच्छी जगह मिल जाया करती थी। ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों से प्रेरित होकर रितेश ने तय किया कि वो अपना एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कम्युनिटी शुरू करेंगे, जिससे कि कस्टमर को सस्ते बजट में अच्छी सुविधा की रहने को जगह मिले। इसलिए रितेश अग्रवाल ने 18 वर्ष की आयु में ओरिवल स्टेज की शुरुआत की। दोस्तों ओरिवल स्टेज एक ऐसा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म था जो हर जगह में मौजूद होटल्स का लिस्ट बनाता था और उनकी बुकिंग लोगों के बजट के अनुसार करता था और उन्हें आधी मूल्य पे होटल्स दिलाता था। पर कुछ दिनों बाद रितेश को एहसास हुआ कि लोगों को रूम्स तो उनकी बजट में प्रोवाइड तो कर दिया जाता है, लेकिन उन कस्टमर के सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता था, जिस वजह से ओरिवल स्टेज की लोकप्रियता कम होती जा रही थी। इसलिए 2013 में रितेश ने ओरिवल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया, जहां पर कम कीमत में लोगों के लिए आरामदायक रूम प्रोवाइड कराया जाता है और अब लोगों के सुख सुविधाओं का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। और वैसे भी दोस्तों अब ओयो रूम्स का एक स्टैंडर्ड रख दिया गया है, जिसके बिना कोई भी होटल्स ओयो रूम्स में अपने आप को लिस्ट नहीं करा सकती। दोस्तों रितेश अग्रवाल का नाम फॉर्ब लिस्ट के टॉप 30 कंज्यूमर टेक सेक्टर में आ चुका है और दोस्तों उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे टॉप 50 एंटरप्रेन्योर इन 2013, हॉटेस्ट टीनेज स्टार्टअप फाउंडर इन द वर्ल्ड, टाई लुमिनस एंटरप्रेन्योर एक्सीलेंस अवार्ड इन 2014, बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन 2015। दोस्तों ओयो रूम्स वर्तमान में इंडिया, मलेशिया, चाइना, यूएई, यूएस और भी कई देशों के 5000 शहरों में 450,000 लिस्टिंग का संचालन करने वाले होटलों का सबसे बड़ा ब्रांड नेटवर्क है। दोस्तों अभी तक मैंने रितेश अग्रवाल के सक्सेस जर्नी के बारे में बात की,
पर दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने से पहले उन्हें बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सपने तो बहुत बड़े देखे थे, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास मात्र पैसे नहीं थे। और दोस्तों वैसे भी एक स्टूडेंट के लिए पैसों का जुगाड़ करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों किसी तरह से रितेश अग्रवाल ने 60,000 रुपयों का जुगाड़ करके गुड़गांव के एक होटल से ओरिवल स्टेज की शुरुआत की। दोस्तों उनके इस बिजनेस को पैसों की बहुत जरूरत थी, तभी उन्हें 20 Under 20 थील फेलोशिप के बारे में पता चला, जो 2 साल के लिए 2013 में आई थी। इस फेलोशिप के जरिए 20 वर्ष से कम उम्र के 20 यंग एंटरप्रेन्योर को चुना जाता था और उन्हें $100,000 की धनराशि दी जाती। जैसे ही रितेश अग्रवाल को इस फेलोशिप के बारे में पता चला, मानो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत इस फेलोशिप के लिए अपना नाम दिया और इस फेलोशिप में रितेश को चुन लिया गया। और रितेश थील फेलोशिप में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। इस राशि की मदद से रितेश ने अपने बिजनेस को एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचाया। उसके बाद रितेश को बहुत सारी वेंचर कंपनी ने फंडिंग दी। सबसे पहले वेंचर नर्सरी ने फंड देकर सहायता की, फिर लाइट स्पीड वेंचर्स, सिकोया और भी बहुत वेंचर्स कंपनी ने मदद की। जुलाई 2015 में ओयो रूम्स को सॉफ्ट बैंक ने 100 मिलियन की धनराशि दी। ओयो रूम की शुरुआत गुड़गांव से करने के बाद रितेश ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे। अंत में दोस्तों एक बात कहूंगा, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।